हेलो, गुड इवनिंग। मैं करण आज सेंटर से लाइव हूँ और कई सारे अपडेट थे जो हम लोग अभी काफ़ी टाइम से नहीं दे पाए थे और काफ़ी टाइम के बाद हम लोग लाइव आ रहे हैं। कई सारी नई नई चीज़ें हुई हमारे यहाँ पे सेल्टर में, जैसे कि हम लोगों को यहाँ पे पानी की कई सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो हम लोगों ने अभी अभी ये फिटिंग कराई है पानी की टैंकी की। तो पानी की टैंकी लग गई है यहाँ पे और ये नीचे भी एक हम लोगों ने पानी का कनेक्शन दे दिया है। यहाँ पर भी हम लोगों को आसानी से पानी प्रोवाइड हो जाता है और हम लोगों ने एक टोटी जो है इस तरह से ऊपर से शेल्टर के अंदर भी कर दी है। अभी गर्मी का मौसम हो रहा था, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, डॉग्स को भी कई सारी प्रॉब्लम हो रही थी गर्मी में और मेरे रूम में भी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो रहा था। तो अभी हम लोगों ने फिर कूलर का भी अरेंजमेंट किया है, तो एक कूलर तो यहाँ पर मेरे रूम में लगाया हुआ है। ये बगल में मेरा रूम है और यहीं पे साइड में खिड़की में एक कूलर लगाया हुआ है और बाकी दो कूलर जो है वो डॉग्स के लिए अंदर लगाए हुए हैं। हम लोगों को क्या, ये जो डॉग्स के ब्लैंकेट होते हैं, डॉग्स के कपड़े जो होते हैं, उनको भी धोने में कई सारी प्रॉब्लमें होती थी, तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे एक वॉशिंग मशीन का भी अरेंजमेंट किया है। अभी जल्दी में ही ये वॉशिंग मशीन हम लोगों ने अभी अरेंज किया है, तो जिससे क्या है कि अब सर्दियों का टाइम आ रहा है तो ब्लैंकेट जो होते हैं डॉग्स के, सर्दियों के कपड़े जो होते हैं, उनको भी हम लोगों को इसमें वॉशिंग मशीन में धो करके सुखाने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और अभी हम लोगों ने और भी कई सारी चीज़ें करी हैं। अभी हम लोग जो है गैस को ज़्यादातर यूज़ कर रहे थे हम लोग शेल्टर में, तो हम लोगों ने अभी लकड़ी भी मंगाई हुई है यहाँ पे। अब हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे लकड़ी पे हम लोग खाना बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ये लकड़ी हमारी कल ही आई है 3 क्विंटल, अभी इसको भी सेट करके रखना है क्योंकि बारिश का भी टाइम आ रहा है, तो इसमें भी अभी कुछ ना कुछ ट्रिपाल वगैरह लगा करके इसको सेट करके रखेंगे जिससे कि गीली ना हो। और बाकी यहाँ पे हम लोग ये डॉग्स का खाना बनाते हैं और ये जो है शेल्टर की ये बैक साइड है, जिससे कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, ये ग्रीन कलर का जो है जाली टाइप की जो है, ये हम लोगों ने चारों तरफ से शेल्टर में लगाई हुई है। ये इस जाली को हम लोगों ने इसलिए लगाया था ताकि हमारे यहाँ जो मक्खियाँ और मच्छर जो हैं बहुत ज़्यादा आ जा रहे थे, तो वो मक्खी और मच्छर वो सारी की सारी चीज़ें अंदर ना जा पाएँ, इसलिए हम लोगों ने इसको चारों तरफ से कवर कर रखा है जाली लगा करके। बाकी अंदर भी हमारे पास में कई सारे डॉग्स आए हुए हैं, नए नए डॉग्स आए हुए हैं, मैं उनसे भी आपको भी मिलवाने के लिए जा रहा हूँ। तो हम लोग अब आ चुके हैं डॉग शेल्टर में अंदर और मैं अब आपको बच्चों से मिलवाने के लिए जा रहा हूँ। कई सारे पीसेस हमारे पास में आए हुए हैं, सबसे पहले मैं आपको मिलवा देता हूँ। ये कल ही हम लोगों ने एक रेस्क्यू किया है। ये इस डॉग्स को हम लोग पिछले 6 मंथ से पकड़ने की कोशिश कर रहे थे लेकिन डॉग पकड़ में नहीं आ रहा था। इसको ट्यूमर है और इतना ज़्यादा डेंजरस है डॉग, कई सारे लोगों को काट चुका है। अब मेरे को भी इतनी डर लग रही है केज को खोलने में, तो जब ये इधर उधर जाता है, उधर को पीछे की तरफ मुँह करता है, तब मैं इसको खाना देता हूँ साइड से और फिर मैं इसको पानी देता हूँ, क्योंकि ये काटने में बहुत तेज़ है, कभी भी किसी का भी हाथ पकड़ सकता है। तो इसको हम लोगों ने केज के अंदर ही बंद कर रखा है और इसको कल हम लोगों ने जब इसको रेस्क्यू किया था तो बहुत टफ हो गया था इसको भी करना, मैं तो नहीं था वहाँ पे, बट डॉक्टर हिमांशु जो हैं और भी कई सारे लोगों ने मिल करके इसको रेस्क्यू किया। तो जाल वगैरह डाल करके और बेहोशी का इंजेक्शन लगा करके तब जा करके इसको उन लोगों ने रेस्क्यू किया, फिर बेहोश करके ही इसको फिर कीमो दिया गया है कल के दिन में इसको। अभी हमारे पास सेल्टर में आ गया है, अब इसको जो भी कीमोथेरेपी इसकी होगी वो यहीं पर सेंटर में ही होगी, डॉक्टर हिमांशु यहाँ पे आएंगे और इसकी कीमोथेरेपी करेंगे उसी तरह से प्रोसेस से बेहोश करके, क्योंकि इसको टच करना तो बहुत डेंजरस है। और बाकी हमारे पास ये आया हुआ है, इसकी भी कीमोथेरेपी हुई है, इसको जो है मेन पार्ट्स में ट्यूमर है लेकिन अब तो काफ़ी ज़्यादा रिलीव है। पहले जो है मेन पार्ट्स में यहाँ पे ये ट्यूमर था, तो अब तो बहुत कम हो गया है, पहले पूरा रेड रेड दिख रहा था ये। तो इसकी 2 कीमो हो चुकी है, अब नेक्स्ट कीमो भी इसकी होगी और डॉक्टर ने बोला है शायद 3 या 4 कीमो में ठीक हो जाएगी, ये ठीक हो चुकी है। इसमें तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, मुझे लग रहा है कम से कम 80% ठीक हो चुकी है ये, बाकी का ये है कि दोबारा प्रॉब्लम ना हो इसलिए इसकी कीमोथेरेपी जो है वो पूरी कम्प्लीट कराएंगे। और जो मैंने बताया था शेल्टर में भी हम लोगों ने अभी ये गर्मी की वजह से हम लोगों ने कूलर लगा रखे हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, टेम्परेचर बहुत हाई हो रहा था,
हम लोगों ने कूलर लगाए हैं यहाँ पे शेल्टर में, एक यहाँ लगाया है और एक पीछे बैक साइड में लगाया है। और ये पॉट तो आ चुके हैं यहाँ पे, तो मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ, ये पानी के पॉट आ चुके हैं यहाँ पे। और बाकी ये लोग क्या करते हैं, इसमें बैठ जाते हैं, घुस जाते हैं, तो उससे पानी जो होता है ओवरफ्लो होकर फिर ये बाहर आ जाता है। इस तरह से पूरा गीला करके रख देते हैं, पूरा बह के उधर नीचे साइड में जाता है फिर पानी। ये इसको अभी तो मैंने फुल भरा हुआ है, अभी इसमें बैठेंगे तो ये पानी पूरा का पूरा ओवरफ्लो होगा। और ये मिनी पूल है, ये भी मैं आपको शायद पहले दिखा चुका हूँ, तो ये भी आप देख चुके हैं। इसमें भी डॉग्स अच्छे से इंजॉय कर रहे हैं। ये है कि सारे डॉग्स नहीं जाते हैं, कुछ डॉग्स इसके अंदर जाते हैं, अच्छे से इंजॉय करते हैं, नहाते हैं। और कालू जो है, कालू तो इसमें घुस जाता है पूरा मूड होकर के, पूरा उसमें पूरा फुल इंजॉय करता है। और एक हमारे पास इसकी मेल है, पैरालाइज थी पहले बट अब ठीक हो गई है, वो तो पूरी बैठ जाती है इसमें, लेट जाती है पानी में। और एक छुटकी है हमारे पास, छुटकी आकांक्षा मैम की, तो वो भी इसी के अंदर बैठती है। ये अभी तो यहाँ बैठी हुई है। अब इतने सारे डॉग्स हो गए थे हमारे पास, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो गई थी। एक नया केस ये है, ये बैठा हुआ है, इसलिए मैं आपसे मिलवाने जा रहा हूँ। ये इसके आपने देखा होगा वीडियो में, पूरा पानी भरा हुआ था साइड में, ये साइड में इसके पानी भरा हुआ था। तो डॉक्टर मनीष जो है उन्होंने इसको निकाला था इस पानी को, तो उस समय आपने वीडियो में देखा होगा पूरा सेफ में आ गया था ये डॉग। बट प्रॉब्लम क्या है कि दो दिन पहले निकाला था, अब ये दोबारा यहाँ पे पानी इकट्ठा होने लग गया है, तो अब इसको दोबारा निकालना पड़ेगा। लेकिन ये है कि ये ठीक हो जाएगा, इसके अंदर से कम 2.5 से 3 लीटर पानी निकला है, तो उस समय तो ठीक हो गया था ये। अब एक दिन में दो दिन में इसमें दोबारा से पानी इकट्ठा हो गया, तो अभी शाम को इसको इस पानी को दोबारा निकालेंगे सर्जिकल ब्लेड के थ्रू, इसमें कट करके फिर निकालेंगे, बाकी ठीक हो जाएगा। अच्छी चीज़ ये है कि अभी तक ये घूम रहा था तो पता नहीं था कि अंदर क्या है क्या नहीं है, तो अब हम लोग एक बार इसका ट्रीटमेंट करवा चुके हैं डॉक्टर के थ्रू, तो हमें पता चल गया है पानी है और ये निकल जाएगा। बाकी ये डिम्सी है, डिम्सी को आप जानते हैं, ये लैब्राडोर डिस्टेम्पर का केस है। ये आपको मैं बता चुका हूँ इसके बारे में, ये खतीमा से आया हुआ है, पैरालाइज भी है प्लस डिस्टेम्पर से ठीक हुआ है। बाकी अभी ठीक है, मस्ती से रहता है, एंजॉय करता है, चलने की भी कोशिश कर रहा है। और ये हमारे पास आया हुआ है, ये भी एक्सीडेंटल केस है, एक्सीडेंट हुआ था इसका, तो इसका साइड में जो है स्टिचेस लगे थे यहाँ पे, ठीक हो चुके हैं इससे बैक साइड में। अच्छा बच्चे, ये इसके स्टिचेस लगे हुए हैं साइड में, ये आप देख पा रहे हैं, ये सूख चुके हैं अब, ये पूरी सर्जरी करी थी इसकी, एक्सीडेंट हो गया था, तो अब तो ठीक हो चुकी है और अच्छे से रहती है। अभी लिवर टॉनिक मल्टीविटामिन वगैरह इसके चल रहे हैं, ठीक हो चुकी है। अभी जब ठीक हो जाएगी तो इसको इसी के एरिया में रिलीज कर देंगे। और यहाँ पे हम लोगों को पहले क्या था, अभी डॉग्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो रही थी, आपस में लड़ झगड़ भी रहे थे, तो इनको संभालना भी बहुत मुश्किल हो जा रहा था। फिर कल के दिन में ही मैंने मैम को बोला, तो हम लोगों ने अभी 5 चेनें आई हैं, ये बड़ी अच्छी क्वालिटी के हैवी चेन है, काफ़ी हैवी चेन है, ये 5 चेन आई हैं। तो अब ये है कि काफ़ी अच्छा हो गया है, अब मैं जो एग्रेसिव डॉग है जो बहुत ज़्यादा डेंजरस है उनको फिर मैं बांध दे रहा हूँ रात को। और बाकी अभी मेरे सामने तो अभी तो खुले हुए, क्योंकि खोल के रखना भी ज़रूरी है, 24/7 हम लोग इसको नहीं बांध सकते। और एक और मैं केस से मिलाने के लिए जा रहा हूँ, ये भी ट्यूमर का ही केस है, ये इसकी फ्राइडे को सेकंड कीमो और होगी, इसकी भी एक कीमो हो चुकी है। जैसा मैंने इससे पहले आपको एक केस दिखाया, सेम इसका भी भाई है, मेन पार्ट्स में इसका भी ट्यूमर हो रखा है, तो उसका तो ठीक हो चुका, क्योंकि ये है ये उसके बाद आई थी, इसका भी फर्स्ट कीमो हुआ है। और मुझे लग रहा है कि इसमें भी काफ़ी अच्छा रिलीव है, पहले तो बहुत ज़्यादा रेड रेड टाइप का हो रहा था, तो अब मुझे लग रहा है कुछ % इसमें रिलीव है। बाकी सेकंड थर्ड कीमो होगा तो उसमें ये भी ठीक हो जाएगी। ये अभी बीच में तो खाना भी नहीं खा रही थी, अब इसने खाना वाना स्टार्ट किया है धीरे धीरे, तो इसकी भी कीमोथेरेपी होगी, 3 से 4 कीमो होंगी, बाकी ये ठीक हो जाएगी। और ये है हमारे पास वाइटी लीली, इसको भी आप जानते हैं, लेकिन इसके साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि बड़े डॉग्स के साथ में रहती है और ये खेलती भी है, बड़े डॉग्स के साथ में खेलती है, तो वो कभी कभी काट देते हैं खेल खेल में। ये इसके मुँह में अभी लगी हुई है,
लग जाती है इसको। इसको मैं कोशिश करूँगा कि अगर हम लोग जल्दी ही अगर कोई इसको पालने वाले होंगे, कोई अडॉप्ट करने वाले होंगे तो हम उनको दे देंगे, नहीं तो मैं इसको अपने रूम में रखूँगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो जा रही है इसके साथ में। बड़े डॉग काट दे रहे हैं इसको, तो ये अब बाहर ही रहे कि मेरे रूम में, मैं इसको आज बाहर कर दूँगा। केजेस जो हैं, ये केजेस जो हैं, केजेस सारी की सारी फुल हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास केस कई सारे आ गए हैं। ये जैसे कि ट्यूमर वाले हैं, और ये मैंने आपको दिखाया तो परमानेंटली केज सूखा हो गया। इसको हम लोग केज से बाहर नहीं निकालेंगे, इसका कल रेस्क्यू किया था। और बाकी ये हमारे पास एक ही शर्मिली है, ये पीछे साइड में बैठी रहती थी, पहले मैंने आपको शायद मिलवाया होगा, ये पीछे लास्ट में बैठती थी। लेकिन हमारे पास दो शैतान डॉग आए थे, बहुत ज़्यादा झगड़ा वगड़ा करते थे, उन्होंने पूरा एरिया कवर कर लिया था। ये जो आप पार्टीशन आप देख पा रहे हैं ना बीच में, ये यहाँ से आगे का एरिया उन्हीं दो लोगों ने ले लिया था, कनक दीदी है करके उनके डॉग थे, वो आ जाते हैं हमारे पास सेंटर में कभी कभी, क्योंकि उनके फादर आर्मी में है, जब वो आते हैं घर पे तो वो यहाँ पे छोड़ जाते हैं। उन्होंने बहुत ज़्यादा हंगामा कर रखा था और हमारे लिए भी एरिया बहुत कंजेस्टेड हो गया था। अभी आप देख पा रहे हैं इतने सारे डॉग यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन वो दो जब हुए तो वो दोनों अकेले ही रहते थे यहाँ पे, इन सब डॉग्स को आने ही नहीं देते थे वो इस एरिया में, तो उन्होंने पूरे एरिया को कवर कर रखा था। लेकिन अब हम लोगों ने उसको भी भेज दिया है, अब वो जा चुके हैं यहाँ से, तो अब काफ़ी अच्छा हो गया है। अब सारे डॉग्स कुछ यहाँ बैठ रहे हैं, बाकी कुछ यहाँ बैठ रहे हैं और कुछ केज में। बहुत ज़्यादा हल्ला करने लग गए, एक ही आया हुआ है, इसका भी ट्यूमर का ही है, इसका ट्यूमर पेट से निकाला है काट करके, थोड़ा सा एग्रेसिव है डॉग, लेकिन ठीक है, इसकी जो है सर्जरी हुई है ये पेट में, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अच्छा बचे, इसके ऑनर ही बोल देते कि थोड़ा सा एग्रेसिव है इसलिए इससे बच के रहना, थोड़ा सा डर लगता है इसको भी हाथ लगाने में। ये इसके टाके जो हैं, ये टाके लग रखे हैं, ये काट करके इसका ट्यूमर निकाला है पेट से, ये भी ठीक हो जाएगा, इसके एंटीबायोटिक्स वगैरह चल रही हैं, तो जल्दी ही रिकवर हो जाएगा। ये नैनीताल से आया हुआ है, इसको भी 4 दिन हो गए लगभग। और एक और हमारे पास ट्यूमर का ही केस था, ये शायद आप इससे पहले इसके स्टिचेस जो थे ये पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी इसकी सर्जरी करी गई थी, सर्जरी करके ट्यूमर को निकाला गया था। अब तो इसके सारे के सारे ठीक हो गए हैं, तो इन टाकों को हम लोग काटेंगे, डॉक्टर के थ्रू कटवाएंगे और बाकी ये ठीक हो गई है। अब इतने दिनों से इसके इतना बड़ा घाव हो रहा था, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक पूरी सर्जरी हुई थी, तो इसकी वजह से हम लोग इसको नहला भी नहीं पा रहे थे। और ये थोड़ा सा अपसेट टाइप की रहती है, ऐसे गुमसुम टाइप की बैठी रहती है, अपना भी खाना धीरे धीरे खाती है, इसका खाना केज में ही छोड़ देते हैं, धीरे धीरे खाती है, 1-2 घंटे के बाद फिर दोबारा खाती है, फिर छोड़ देती है, इस तरह से अपना खाना कंप्लीट करती है। तो आज हम इसको नहलाएंगे क्योंकि इसका एक घाव पूरा ठीक हो चुका है, हो सकता है थोड़ा सा फ्रेशनेस आए इसकी बॉडी में और ये ठीक हो जाए, ये भी ठीक हो जाएगी, फिर इसको इसके एरिया में छोड़ देंगे। और ये शर्मिली जिसके बारे में आपको बता रहा था, ये पीछे बैठी रहती थी, तो इसको उन्हीं दो डॉग्स ने पता नहीं काटा या झगड़ा किया इसके साथ में, तो ये बहुत ज़्यादा डर गई है, ये पीछे से बिल्कुल भी नहीं आती थी, ये पीछे लास्ट में बैठती थी, लेकिन ये अब यहाँ आके बैठ गई है। बाहर बैठी थी ये, तो मैं कुछ खा भी नहीं रही थी, डर गई थी पता नहीं क्या था। मैंने डॉक्टर को भी दिखाया और इसके ब्लड टेस्ट भी कराए, तो जिसमें ब्लड टेस्ट और वो सब तो नॉर्मल आ गए, कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ टिक्स वगैरह भी हो रहे थे अभी हमारे शेल्टर में, तो हम लोगों को लगा था कि शायद टिक्स फीवर होगा, बट टिक्स फीवर नहीं था, सारी की सारी रिपोर्ट्स जो है नॉर्मल आई हैं। डॉक्टर बोल रहे हैं शायद डर गई है या जो भी है, तो हम लोग धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि इसको कुछ खिलाने की, तो पानी तो पीती है ये लेकिन खाना नहीं खा रही है अभी, तो सिरिंज के थ्रू इसको अभी दूध पिला रहा हूँ मैं इसको। और इसको हम लोग डॉक्टर के पास लेके गए थे, तो उन्होंने इसको ड्रिप भी चढ़ाई थी, तो अभी तो ठीक है, बाकी जैसा भी अपडेट होगा आगे को मैं आपको इसका अपडेट दूंगा। और बाकी मैं नेक्स्ट से मिलवा रहा हूँ आपको, ये जो वाला आपने पिछली बार देखा होगा, हम लोग इसको ड्रिप करा रहे थे, ये खाना नहीं खाती थी इस समय,
अभी ब्रिक पर ही डिपेंड थी। इसका जो है सर्जरी करके जबला जो है होता है मुँह का नीचे वाला, वो सर्जरी करके जोड़ा है डॉक्टर ने। अच्छा बच्चे ना 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 देखो इधर ही है, भाग रही मेरे पास नहीं आ गया अभी, तो अब ठीक हो गई है। इसका जबड़ा जो है जुड़ गया है पूरा अच्छे से, तो अब तो चल फिर रही है, घूमती है, मस्ती करती, खाती पीती भी है। तो अब इसको भी छोड़ देंगे, इसको भी रिलीज कर देंगे, क्योंकि इसके पीछे जाकर से छूट गई है। और ये है इसका भी पैर जो है, पैर कट गया है, ये रामनगर से आया है, इस पैर में मैंने पट्टी बांधी हुई है अभी इसके। तो इसमें क्या करते हैं, इसकी एंटीबायोटिक चल रही है जिससे कि इसका घाव सूज जाए, और ऊपर से ही हम लोग इसमें स्प्रे वगैरह करते हैं। पट्टी को अभी हम लोगों ने 2 दिन से इसको खोला नहीं है, 2 से 3 दिन तक हम लोग इसको अभी पट्टी से कवर करके रख रहे हैं, क्योंकि ये जो है ये कटा हुआ है, तो ये अगर बंद रहेगा तो ज़्यादा बेटर है, इसीलिए हम लोग इसमें ऊपर से ही स्प्रे वगैरह कर रहे हैं। तो ये भी ठीक हो जाएगा, फिर छोड़ देंगे। बाकी ये भी बच्चा बहुत अच्छा है, अभी चला जाएगा, रामनगर से आया है। और पिछली बार मैंने ये दिखाया था आपको, ये हर्निया वाला केस है, ये भी ठीक हो गया है। इसका जो पैर जो है, ये पैर में प्रॉब्लम थी, इसकी भी सर्जरी करके इसको ठीक किया है, ठीक हो गया है ये, इसको भी रिलीज कर देंगे। और एक और हमारे पास नया है, ये इसके पैर में कुछ इन्फेक्शन टाइप का है, कुछ हड्डी में पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, ये इस तरह का हो गया है, कुछ हड्डी गलत जुड़ी है जो भी है। तो इसका भी ट्रीटमेंट चल रहा है, इसकी कुछ टैबलेट्स वगैरह डॉक्टर ने दी हैं, तो उसको हम लोग रेगुलरली दे रहे हैं इसको, तो इसका भी थोड़ा सा फ़र्क मेरे को दिख रहा है, तो ये भी जल्दी ठीक हो जाएगी, तो इसको भी छोड़ देंगे फिर इसके एरिया में। और ये कालू है, कालू को तो आप जानते हैं, हमारे सेंटर का ये बॉस है सबका, आ गया मेरे पास ये कालू। कालू, ये एरिया पूरा कालू ने कवर कर रखा है, ये पानी पीने का पॉट जो है ये भी इसी ने ले रखा है, किसी को पानी नहीं पीने देता है ना, आराम से इतने एरिया में मस्त होकर रहता है ये। इसको खोल देता हूँ तो ये लड़ता है सबसे, इसलिए इसको बांध के हम लोग रखते हैं, तो ये बंधा हुआ है अभी। और बाकी ये आ गया गबरू, गबरू को आप ऑलरेडी जानते हैं, इसके भी पैर में कुछ एक्सीडेंट की वजह से इसका पैर ख़राब हो गया था, तो पैर सर्जरी के थ्रू फिर कटवाना पड़ा हम लोगों को ये। लेकिन 3 पैरों से भी इतना अच्छा मैनेज कर पाता है अपने आप को, काफ़ी अच्छे से रहता है फिर भी, इसको बिल्कुल एहसास ही नहीं कि इसका 4th पैर भी नहीं है, काफ़ी अच्छा नॉर्मल से, जैसे कि 4 पैर वाले डॉग होते हैं ऐसे नॉर्मल रहता है, खुश रहता है, अच्छा है ये भी गबरू। और इस्माइली को आप जानते ही हैं, नहीं सॉरी, हिम्मती, हिम्मती हमारा सबसे पुराना डॉग है, ये भी पैरालाइज्ड है, और इसको तो आप जानते ही हैं, ये तो मस्त रहता है अपनी लाइफ में, अकेला रहता है अपने पास, किसी को नहीं आने देता है। और एक और है हमारे पास ये, हाँ चलो जी, ये जो है इसका भी अभी जो है पैर काटा है, पैर एक्सीडेंट के थ्रू इसका कुछ ख़राब हो गया था, तो ये पैर काटा हुआ है डॉक्टर के थ्रू, तो इसका भी ट्रीटमेंट चल रहा है, इसके एंटीबायोटिक वगैरह चल रही हैं, तो ये भी ठीक हो जाएगा, फिर इसको इसके एरिया में छोड़ देंगे। ये भी हमारे पास 1 हफ्ते पहले ही आया है, और मुझे लग रहा है 10 से 15 दिन में ये ठीक हो जाएगा, जब पूरा कवर हो जाएगा तो इसको फिर इसके एरिया में छोड़ देंगे। ये भी हम लोग इसको केज में ही रखते हैं, लेकिन अभी मैं हूँ यहाँ पर, तो इसीलिए खोल दिया है सबको, फिर कुछ देर पर घूमेंगे, घूम करके कुछ बॉडी की एक्टिविटीज़ होंगी, तो इनको भी अच्छा फील होगा। और बाकी ये ट्रिप्सी है, ट्रिप्सी को भी आप शायद जानते हैं, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, इसका भी एक पीछे का पैर जो है वो किसी कारण से काटना पड़ा है, पैर ख़राब हो गया था, तो पैर इसका पीछे का एक ही पैर है, और बस ये भी ऐसी मस्त रहती है, और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैर इसका ठीक हो गया है, सर्जरी के थ्रू कटवाए हुए भी काफ़ी टाइम हो गया, सारा वालों ने इसको उसका पैर कटवाया था, अब ठीक है, मस्त होके रहती है, वो ही लोग ले जाएंगे इसको। और स्माइली को आप जानती है, स्माइली का एक केस जो था कैंसर का केस था, इसका कैंसर कटवा के निकाला, बाकी तो ये मस्त रहती है, पहले तो ये बाहर ही घूमती रहती थी, बट अब हम लोगों ने इसको अंदर कर दिया, मैंने पहले भी शायद आपको बताया था, ये बाहर जाकर के कुछ गंदा वंदा खा कर के आ गई थी, जिससे इसके मुँह में ही मैगेट्स हो गए थे, काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग आ गई थी, तो काफ़ी प्रॉब्लम हुई फिर हम लोगों को, फिर हम लोगों ने इसको अंदर ही कर दिया, और हम लोग इसको अंदर ही रखते हैं।
और इसको शायद मैंने नहीं दिखाया आपको, इसको मैं इसे मंगवाने के लिए जा रहा हूँ आपको। ये बनती भी है, लेके आए हैं इसको आपको। इसका ट्रीटमेंट जो है हम लोगों ने लगभग 15-20 दिन तो हम लोगों ने हॉस्पिटल में ही कराया। इसका एक्सीडेंट हुआ था, एक्सीडेंट में पीछे के दोनों पैर पूरे हो गए थे, काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गए थे और पैरों की हड्डियाँ वड्डियाँ भी टूट गई थी। तो डैमेज इतने ज़्यादा थे तो पहले इसको इसका ट्रीटमेंट कराया हम लोगों ने। इससे पहले इसका मांस पूरा भरे अच्छे से, फिर उसके बाद जब ठीक हुआ अब हम लोग इसका हड्डी वड्डी का देख रहे हैं, हड्डी ताकि इसकी सही से जुड़ जाए। हड्डी भी मुझे लग रहा है शायद इसकी थोड़ा सा बैंड हो करके चलता है, पैर को बैंड करके प्रॉपर नहीं चल पाता है लेकिन चलता है, और थोड़ा सा एग्रेसिव भी है और डॉग से लड़ता भी है और कभी कभी तो हम लोगों को भी काटने के लिए आता है। वैसे ठीक है, कभी इसका मन ठीक होता है तो ठीक है, मन ठीक नहीं होता है तो हम लोगों को भी काटने के लिए आता है। और ये भी अगर ठीक हो जाएगा तो फिर इसको रिलीज करेंगे, वरना ये हमारे पास ही रहेगा। जिनसी इन लोगों से तो मैंने मिलवा दी आपको, बाकी के और से मिलवा देता हूँ। इन लोगों से भी आप मिल चुके हैं, छुट्टी बैठी हुई है अभी, थोड़ी देर पहले इसमें बैठ गई थी पानी के बॉटल में। और हमारे पास अभी गर्मी का टाइम हो रहा है तो थोड़ा सा मौसम ठीक हुआ है, क्योंकि 4:30 बज चुके हैं, सबके सब रेस्ट कर रहे हैं इस समय। ये स्पॉट ये भी पैरालाइज है, हमारे पास आया था ये तो 2 महीने के आसपास हो गए हैं, लेकिन ठीक है, खड़े होने की कोशिश करता है लेकिन प्रॉपरली चल नहीं पाता है अच्छे से। फिर भी यहाँ पर मैंने चढ़ता नहीं किसी से, काली से भी पंगा ले लेता है, सबसे लड़ जाता है, बहुत ज़्यादा तेज है ये, कभी कभी पिट भी जाता है बड़े बड़े डॉग से, लेकिन फिर भी नहीं डरता, बहुत अच्छा है डॉग। और ये है हमारे पास शुगर, शुगर नाम हमने इसका रखा है क्योंकि बहुत ज़्यादा सीधा है, बहुत ही ज़्यादा सीधा है ये, इसलिए इसका नाम हम लोगों ने शुगर रखा हुआ है। और इसके साथ का एक और है जिसका हमने पेपर रखा हुआ है, ये पेपर ये बहुत ज़्यादा तेज है, काटता है ये बच्चों को, छोटे बच्चों को तो इस तरह से एकदम मारने की कोशिश करता है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं अपने सामने ही खोलते हैं और बाकी के हम लोग इसको भी बांध देते हैं। और ये कालू, कालू को तो हर जगह जाना है। और मैं आपको बाकी डॉग से मिलवा देता हूँ। ये है बेबी, बेबी 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 को भी आप जानते हैं, खटीमा से आए, सितारगंज से आए हुए डॉग, इसको भी काफ़ी टाइम हो गया हमारे पास, तो हमारा शेल्टर किच्छा में था तभी आया था ये, और तब से हमारे साथ में है। ये पैरालाइज्ड है, खड़े होने की कोशिश करते हैं लेकिन चल नहीं पाती है इसको, इससे तो शायद मैं आपको पहले वीडियो में भी मिलवा चुका हूँ। और ये है बेबी की तरह ही आया है हमारे पास में ये, इसके भी पैर में थोड़ा सा बोन में ही प्रॉब्लम है, तो ये भी हमारे पास ही है, इसकी भी इसका भी ट्रीटमेंट चल रहा है, मेडिसिन चल रही है इसकी, ये भी ठीक हो जाएगा। और इसका थोड़ा सा स्किन इन्फेक्शन भी है ये, तो इसका स्किन इन्फेक्शन का भी हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि जल्दी कवर हो जाएगा ये, फिर इसको इसी के एरिया में रिलीज कर। और ये ब्रूनो और ये जी बिल्कुल, लोगों को आप जानते हैं तो ये आजकल हीट में आ रही है ऐसा लग रहा है, तो इसके लिए थोड़ा सा अलग ही रख रहा हूँ मैं इसको, अभी अपने सामने खोला हुआ है ताकि उसके बाद मैं इनको मेल डॉग जो है इनको बांध करके रख रहा हूँ। और ये भी पहले पैरालाइज ही थे, फुल बॉडी पैरालाइज थी, इसके पीछे के पैर पैरालाइज थे, बट अभी तो ठीक है, अभी अच्छे से चल पाती है, मैनेज करती है, दौड़ती है, अब पूरी फिट हो गई है। और ये है हमारे पास रानी, ये रानी है, रानी की तरह एकदम बैठी रहेगी एक जगह, बस खाने के लिए आती है, बाकी शांति से बैठी रहती है, किसी से मतलब नहीं, अपने पास किसी को आने नहीं देती है, मस्त रहती है अपनी लाइफ में, इसलिए हम लोगों ने इसका नाम रानी रख दिया। और एक और है हमारे पास एक्सीडेंटल केस है, ये तो इतना डरता है, ये देखो भागने लग गया, इसने भागना स्टार्ट कर दिया, इसको लग रहा है कि मैं इसके पास आ रहा हूँ, इसने दौड़ लगाना स्टार्ट कर दिया, ये तो आता ही नहीं, ये देखो
इतना ज़्यादा दर्द है, इसकी कई जगह से हड्डियाँ टूटी है और बहुत ज़्यादा पूरी बॉडी इसके अंदर से डैमेज है। लेकिन है कि ठीक हो चुका है। ऐसी चीज़ ये है कि अभी चलती है, थोड़ा सा डरती है डॉग से, पास नहीं आने देती, लेकिन ठीक है, बाकी ठीक हो जाएगी। फिर इसको भी हम लोग छोड़ देंगे और शायद अभी कोई आया है गेट से, उस चीज़ों पर भाव करें। देखना गेट से कोई निकले ना बना बनता दोस्तों, ठीक है। ये शायद मेरे फ्रेंड लोग ही आ गए हैं मेरे से मिलने के लिए, शाम का टाइम हो गया तो उन्हीं को देखकर ये डॉग सारे के सारे भौंकने लग गए हैं। और ये सुबह मैंने मिलवा दिया आपको, एक और डॉग है हमारे पास, ये शांति से बैठा हुआ है। ये हम लोगों का अभी ये चारपाई जो है इसको हम लोग बुनाई का काम कर रहे हैं। ये इसकी जो है ये जाली पूरी इन लोगों ने काट दी थी, तो हम लोगों ने अभी इसको नया बुना है। ये बुनने वाला एक मेरा गांव का ही यहीं का पास का ही कोई लड़का है, वो उसको बुन देता है। इन लोगों ने इसकी कंडीशन इस तरह की कर दी थी, ये खाली पाइप पाइप रह गया है, बाकी का जो है निवार इन्होंने काट दिया है पूरा का पूरा। तो हम लोगों ने पुराना वाला निवार काट करके और नया निवार हम लोगों ने मंगाया और नया इस तरह से हम लोगों ने बुनाई करी है। एक ये चारपाई हम लोगों ने बुनी है और एक ये बुनी है, ये भी आज ही इसको कंप्लीट किया है हम लोगों ने। बेबी सोई हुई है आज इसमें। और मैं भी बॉक्सिंग लगाने वाला था, वो ये है इसके जो है इसका पैर जो है यहाँ से पूरा मांस फटा हुआ है इसका, मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये साइड का मांस पूरा फटा हुआ है, इसको साइड पेन हो रहा है, ये सीधा नहीं कर रही है। बैठ जाओ, इसका मांस फटा हुआ है तो इसका ही हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इसकी एंटीबायोटिक वगैरह चल रही है, तो इसका भी अभी जल्दी ठीक हो जाएगा। फिर इसको रिलीज कर देंगे इसी के एरिया में। और मुझे लग रहा है शायद इसकी हड्डी भी टूटी है, क्योंकि इसको ये सीधा भी नहीं कर रही है, ये ऐसे ही रख रही है इसको। और बाकी तो ठीक है, ये भी हमारे पास लगभग एक हफ्ते पहले ही आया है, ये भी ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत सीधा डॉग है, बहुत ही सीधी है, ये भी ठीक हो जाएगी। फिर इसको इसी के एरिया में छोड़ देंगे। और बाकी तो सबसे आप मिल ही चुके हैं और मैं आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है, नए नए एक्टिविटीज़ जो हैं हमारे सेंटर में, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। बाकी काफ़ी सारी हेल्प की है आप लोगों ने हमारे इसमें सेंटर के लिए, कि जिसके थ्रू हम लोग इतना सब कुछ मैनेज कर पाए हैं। हम लोग के यहाँ कूलर आया है, वॉशिंग मशीन हम लोगों ने अभी अभी नई अरेंज की है, और इतना सब हम लोग कर पा रहे हैं आप लोगों की वजह से, इसलिए सभी लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगा। और मैं बस यहीं पर अपनी वीडियो क्लोज कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू, बाय।